पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, यानी पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले सभी जीवित व अजीवित घटक मिलकर पर्यावरण की संरचना करते हैं। धरती, आकाश, जल, वायु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु और यहाँ तक कि मानव भी पर्यावरण का ही एक घटक है और इन सब का आपस में तालमेल ही पर्यावरण संतुलन कहलाता है। कुदरत ने जब इंसान को धरती पे बनाया तो उसके साथ और सारी बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे हवा, पानी, धरती, जीव जंतु, पेड़ पौधे, और इंसान ने अपने बसने के लिए घर और उसके आसपास और सारी चीज़ें बनाई। इन सब चीज़ों को मिलाकर हम वातावरण कह सकते हैं। जब हम इस वातावरण से थोड़ी सी भी छेड़छानी अपने लिए करते हैं तो उसको हम पॉल्यूशन कह देते हैं। पर अफसोस, आज ये संतुलन असंतुलित हो चुका है और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। आधुनिकता और विकास की होड़ में हमने प्रकृति की असीम संपदा का अंधाधुंध दोहन किया, जिसके परिणाम आज हम देख रहे हैं। क्षिति जल पावन गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, शरीर की रचना करने वाले ये पांचों तत्व आज प्रदूषण की चपेट में हैं। आज ना पीने के लिए स्वच्छ जल है, ना सांस लेने के लिए शुद्ध हवा। नदियों को हमेशा माँ का दर्जा दिया गया है। गंगा मैया, जिसके बारे में कहा जाता है कि गंगा जल के आचमन मात्र से ही इंसान सारे दुखों से मुक्ति पा जाता है, आज इतनी प्रदूषित हो गई है, इतनी कुरूप हो गई है कि गंगा जल को पीना तो क्या, उसमें स्नान करना भी संभव नहीं है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। जल ही जीवन है, सच है, जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, पर पानी की एक एक बूंद के लिए गांव क्या शहर भी तरस रहे हैं। घर में जो पानी इस्तेमाल हो रहा है वो फिर बाहर गांव के अंदर जहां 72% हमारी आबादी रहती है, वो घूम फिर के गलियों में, आसपास के गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग शौचालय का भी इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके पानी के अंदर मल मिल जाता है और कहीं ना कहीं ये गंदा पानी जाके पानी के स्रोत में, जो गांव के कुएं हैं या झरने हैं या छोटे मोटे तालाब हैं, उनमें जाके मिल जाता है, जहां पे आदमी दोबारा उस पानी को पीता है और वही पानी मवेशी भी पीते हैं। ये पानी जो दूषित है, इससे हज़ारों प्रकार की बीमारियाँ, जैसे हैजा है, हेपेटाइटिस है, टाइफॉइड है और दस्त हैं, डिसेंट्री हैं, ये सब आदमियों में हो जाती हैं और ये बहुत आसानी से हम इन चीज़ों को रोकथाम कर सकते हैं अगर हम छोटा सा प्रिकॉशन करें कि इस पानी को हम ठीक से डिस्पोज ऑफ कर दें। जल प्रदूषण जो बहुत इम्पोर्टेंट एक है, इसके लिए जो उसका मेन कॉज है सुएज पोल्यूशन, जो हमारी डोमेस्टिक सुएज से जो पोल्यूशन होता है। मैं एक आंकड़ा बताऊँ कि हमारा पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 30,000 MLD सुएज निकलता है प्रतिदिन, और उसमें से करीब 6,000 अभी हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, तो बाकी जो गैप है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमने व्यापक प्रोग्राम बनाए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का एक जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन है, उसमें ये प्रोग्राम लिया गया है कि सारे जो हमारा जो सुएज है उसकी ट्रीटमेंट किया जाए। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हम कर रहे हैं। बात यहीं नहीं थमी, शहरों की लंबी सड़कों ने दूरियां जरूर पाट दी हैं, यानी नज़दीकियां बन गई हैं, मगर इन सड़कों पर दौड़ते हुए झन्नाटेदार वाहन और उनका सैलाब क्या रोके थमता है, क्या रोके रुकता है? जी नहीं, आए दिन ये सैलाब बढ़ता जाता है। जहां एक ओर कभी दो पहिया वाहन बढ़े तो वहीं दूसरी ओर चार पहियों के वाहन आए और आज उनका ये सैलाब लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
और इतनी ही बात नहीं रुकती है, इनसे निकलता हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के बादलों का ये धुआं हवा रानी को गंधला रहा है, प्रदूषण में जहर घोल रहा है। हमारी शुद्ध हवा पूरी तरीके से कालिख पुत करके काली हो रही है। बात इतनी ही नहीं थमती, ये हमारे नथनों के द्वारा हमारे फेफड़ों में जा पहुंचती है और कहर ढाती है हमारे शरीर पर। घर में भी जो ईंधन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे लकड़ी, गोबर का, उससे भी धुआं बनता है और ये धुआं भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। अब अपन देख लें कि इनसे क्या क्या बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि हवा है, हवा हमारे फेफड़े में जाती है तो ज़्यादातर बीमारियां फेफड़े से ही संबंध रखती हैं। फेफड़े की बीमारियां नमोनिया है, कैंसर है, ब्रोंकल एस्थमा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ जैसे दमे जैसी शिकायत है जिसमें मरीज थूकता रहता है और आगे आगे उसका जो फेफड़ा डैमेज होता रहता है, और कई बार चमड़ी की भी पेस्टिसाइड से अलग अलग किस्म की बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप वायु प्रदूषण को देखें तो हमारे जो मेन सोर्स है शहरों में वो तो है गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है, उसके लिए हमने व्यापक योजनाएँ बनाई हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमने फेज वाइज कंट्रोल प्रोग्राम रखा है, भारत स्टेज 1, 2, 3, 4, और अभी हम 11 शहरों में भारत स्टेज 3 का मानक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बाकी शहरों में भारत स्टेज 2 का मानक इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके अलावा जो हमारी जो पेट्रोल और जो डीजल की क्वालिटी है उसमें काफ़ी इम्प्रूव कर गई है, किया गया है, जैसे लेड को जो शीशा को बिल्कुल मुक्त कर दिया, शीशा रहित पेट्रोल बिक रहा है आजकल। फिर हमने सल्फर इसमें कम किए हैं, बेंजीन कम किया है, जिससे जो है जो काफ़ी टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं जो कैंसर करती थी वो सब चीज़ हटा दी गई है हमारे जो फ्यूल से, पेट्रोल से, डीजल से। इसके अलावा जो और भी पोल्यूशन है, जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, उसके लिए व्यापक मानक बनाए गए हैं, हमारे जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए हमने कैसे उसको मानक को मीट करने के लिए क्या इक्विपमेंट लगाना है उसके भी हम शोध कार्य करते हैं और उसमें हम उसको इंडस्ट्री को दिखाते हैं और उनको हेल्प करते हैं कि किस तरह पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाया जाए। कीटनाशियों का कहर हम पर भी बरसता है। कीटों को हम रोकते हैं मगर कीटनाशियों का बहुत सा अवशेष जा पहुँचता है हमारे खाद्य पदार्थों तक, कभी ये सब्जियों में, कभी फलों में, तो कभी सीधे पत्तियों में जो बचता है अवशेष वो जा पहुँचता है हमारे आहार में। और ये आहार जब हमारे साथ कीटनाशियों को लेकर के पहुँचता है तो निश्चित रूप से हमको पाचन तंत्र की बीमारियाँ सौंप देता है। लेकिन हाल ही के दिनों में कीटनाशियों के और खरपतवार नाशियों के अंधाधुंध प्रयोग से काफ़ी निगेटिव रिजल्ट सामने आए हैं, जैसे कि पर्यावरण में और खाद्य और जल पदार्थों में कीटनाशियों के अवशेष पाए गए हैं। लेकिन इसके लिए किसानों का सूझबूझ से कीटनाशकों का प्रयोग करना प्रमुख कारण है। इसके लिए यदि हम अच्छी प्रकार से कीटनाशकों का प्रयोग करें तो वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। पहले समय में 8 से 10 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के हिसाब से कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल ऐसे कीटनाशी बाज़ार में उपलब्ध हैं जो कि 8 से 10 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के हिसाब से कीटनाशियों और खरपतवार को रोकथाम करने में सक्षम हैं। इसके द्वारा पर्यावरण के अंदर रासायनिक कीटनाशकों का लोड काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा एक और भी बात है कि जैविक और वनस्पति कीटनाशक यदि हम प्रयोग में लाएँ तो हम किसी हद तक रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को कम कर सकते हैं और अपने वातावरण को और ह्यूमन की हेल्थ को बचा सकते हैं। मैं अपने बचपन की ओर जब जाता हूँ, गांव में जाता था, तो उस टाइम खेती के लिए किसान लोग ज़्यादातर गोबर का ही इस्तेमाल करते थे और उससे बहुत अच्छा अनाज पैदा होता था। पर आज पैसे की होड़ में अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग कीटनाशक और दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। कीड़े ज़रूर फसल को कम करते हैं, चूहे भी फसल को खाते हैं, पर जिन दवाइयों से हम इन प्राणियों को मार रहे हैं, हम ये ना भूलें कि ये जब खेत में मिलती हैं, खाने पे मिलती हैं, तो किसी न किसी प्रकार से ये खाना, ये खेत की मिट्टी में ये दवाइयों का जाना,
फिर ये पानी में इनका वापस मिलना, और इन चीज़ों का सब इंसान खुद से जब सेवन करता है तो इन्हीं दवाइयों को हम किसी न किसी तरीके से अपने अंदर जमा करते जा रहे हैं। तो इन दवाइयों के जमा होने से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, और जिसमें सबसे कॉमन एक चीज़ कहेंगे कि कैंसर का, जब हमें पता नहीं है, कहीं ना कहीं इन दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से कैंसर भी होता है। निश्चित रूप से पर्यावरण सुधार एक बड़ा मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको प्रदूषण से लड़ाई लड़नी होगी। प्रदूषण चाहे जल का प्रदूषण हो, प्रदूषण चाहे हवा का प्रदूषण हो, प्रदूषण चाहे ध्वनि का प्रदूषण हो, और प्रदूषण चाहे हमारी संस्कृति पर होती हुई चोट का प्रदूषण हो, इन सब से हम तभी एकजुट होकर के मिल सकते हैं, इनसे हम एकजुट होकर के लड़ाई लड़ सकते हैं।